कर्नाटक जीत के हीरो डीके शिवकुमार जब से राजस्थान के दौरे पर आए हैं, चुनावी साल में सियासी अटकलें और चर्चा का बाजार दोनों गर्म हो गया है। डीके शिवकुमार राजस्थान क्यों आए हैं और सियासी गलियारों में उनके जयपुर दौरे को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, उसे जानने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो अपने आप में पूरी सियासी कहानी बयां करती हैं। जयपुर पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दोपहर में लंच करने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के घर पहुंचे। इस दौरान डीके शिवकुमार ने राजस्थान कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात की और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर खुशी हुई। उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने दोपहर के भोजन पर हार्दिक स्वागत किया। हमने शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मैंने राजस्थान के लोगों के हित में उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे जबरदस्त काम के लिए श्री गहलोत की सराहना की। डीके शिवकुमार के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी डीके शिवकुमार के साथ वाली तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पुष्प संकल्प विजय इससे अंदन है, वीर धराव में सहृदय अभिनंदन है। वीर भूमि राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर में कर्नाटक के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी का हार्दिक अभिनंदन है। आपका आगमन सामाजिक सुरक्षा के संकल्प को सशक्त बनाएगा। अब अशोक गहलोत और डीके शिवकुमार की इस मुलाकात के सियासी मायने समझ लेते हैं। दरअसल राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से डीके शिवकुमार और अशोक गहलोत की मुलाकात खास हो जाती है। राजस्थान में कांग्रेस इस समय बिल्कुल उसी तरह की गुटबाजी का सामना कर रही है जिस तरह की गुटबाजी कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस में थी। हालांकि उस दौरान डीके शिवकुमार ने चुनाव से ऐन वक्त पहले न सिर्फ कर्नाटक में तमाम गुटबाजी पर विराम लगाया बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बंपर जीत हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अशोक गहलोत से डीके शिवकुमार की मुलाकात चुनावी लिहाज से काफी अहम है। सूत्रों के मुताबिक डीके के आने से राजस्थान में कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर रणनीति बनाई जा सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के हीरो रहे डीके शिवकुमार का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को जो बम्पर जीत मिली है उसके पीछे राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का सबसे बड़ा हाथ है और अब माना जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति में भी उनका साथ ले सकती है। हालांकि पर्दे के पीछे जो कहानी गढ़ी जा रही है उसे नेता पर्दे के सामने मानने से साफ इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डीके के इस दौरे को पूरी तरह से अलग मान रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि डीके शिवकुमार राजस्थान इसलिए आए हैं क्योंकि जयपुर में सभी राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की बांध सुरक्षा कॉन्फ्रेंस की बैठक थी। इसी बैठक में शामिल होने के लिए डीके शिवकुमार जयपुर आए हैं। लेकिन चुनावी साल में पर्दे के पीछे सीएम गहलोत से डीके शिवकुमार की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।